तो नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाले अयोध्या राम पथ चौड़ीकरण। चलिए चलते हैं और आगे की वीडियो को दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। राम पथ के साथ मिट जाएंगे 30 मंदिरों की पहचान, चौड़ीकरण में समा जाएगा इनका अंग भाग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचने का रास्ता भी आसान किया जा रहा है। सड़क पर चौड़ीकरण के लिए कई प्रमुख मंदिरों के अंग भाग को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे यहाँ विभिन्न मकान और दुकान, जितने भी रास्ते मंदिर वगैरह पड़ रहे हैं उसको भी तोड़ा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चौड़ा हो जाएगा ये रास्ता। समझ सकते हैं जेसीबी की मदद से पूरा तोड़ा जा रहा है, काफ़ी रास्ता चौड़ीकरण की जा रही है। और जैसे सकते हैं सब विविध स्तर पर काम चल रहा है यहाँ पे। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय में आया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अयोध्या की आप वीडियो नहीं ला रहे हैं। मैं अयोध्या की वीडियो लाया हूँ, कोशिश किया हूँ आपको दिखाने के लिए। जितना भी यहाँ पर मकान और दुकान तोड़ा जा रहा है इस वीडियो में पूरा दिखाने की जरूरत। देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर देखने वालों की, और सामने देख सकते हैं कितना तेजी तोड़ा जा रहा है ये चीज़। जैसे आप देख सकते हैं कि वाराणसी विकास का चल रहा है, वैसे अयोध्या में विकास का काफ़ी तेज गति चल रहा है। जैसे यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम का जो बनाया गया है, वैसे वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण काम कराया जा रहा है, जो कि 24 से पहले 57 में तैयार हो जाए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। अयोध्या राम मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुँचने की राह आसान करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। राम पथ के साथ रामनगरी जहां नव स्वरूप ग्रहण कर रही है, वहीं राम पथ के चौड़ीकरण में 2.5 दर्जन मंदिरों को पहचान मिट जाएगी। कम से कम इन मंदिरों का वह अग्रभाग तो निश्चित ही चौड़ीकरण में समाहित हो जाएगा, जिसके चलते इसकी विशेष पहचान रही है। काफ़ी पुराने मंदिर है, उसका विकल्प किया गया है, जिसको भी रुकता है तोड़ा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पड़ा वैसे तोड़ा जा रहा होगा। अब आगे थोड़ी पता चलेगा क्या हो रहा है कि नहीं। नया घाट स्थित फूलपुर मंदिर है। विशाल और भव्य मंदिरों की श्रृंखला के बीच औसत आकार का फूलपुर मंदिर मनोहारी वास्तु और शिल्प के लिए जाना जाता है। अब जबकि चौड़ीकरण के इस मंदिर का अग्रभाग समाहित होना सुनिश्चित हो गया है, तब इसके प्रबंधक आकर्षक शिल्प की प्रयास उन शिलाओं को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जो मंदिर के अग्रभाग की शोभा नहीं है। मशीनों की गड़गड़ाहट से पूरा एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। मशीन देख सकते हैं यहाँ पे अगल बगल के मकानों से लोग खड़े होकर, और यहाँ पे जो खड़े काफ़ी लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका, जिस प्रकार से यहाँ पे तोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं। इधर परमोदमन तिराहा पर स्थित पूर्व रियासत का मंदिर जंजर होने के बावजूद भव्यता के लिए जाना जाता रहा है, किंतु अब अग्रभाग चंद टीम का मेहमान है। दरअसल रियासत का मंदिर महल अष्टी भवन जी उन प्रमुख मंदिरों की सूची में है जिनका अग्रभाग चौड़ीकरण में ध्वस्त हो चुका है। यहाँ अगले 2-3 दिन में हो रहा है काम। यहाँ पे कितना तेजी तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे काम काफ़ी तेज हो रहा है यहाँ पे इस समय। चलिए पूरे इस वीडियो में पूरा मैं दिखाने की कोशिश, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना तोड़ा गया है पूरा दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो अब अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप कर देंगे फिर पूरा नहीं दिखाएंगे।
Yeah, 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 y